हमारे सरदार गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी जी हमारी आवाज उठा रहे हैं। मैं एक छोटा किसान हूँ जी, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है और मेरे को फालतू कुछ नहीं चाहिए जी, मेरे को सिर्फ MSP चाहिए। मेरी फसल MSP पे सरकार खरीदे, मेरे को वो भाव अंतर साव अंतर कुछ नहीं पता। और मैं आपकी माध्यम से बात करना चाहता हूँ, मेरे पास पिछले साल मेरे किसान भाई खड़े हैं मेरे पीछे, पूछ सकते हैं, मेरे पड़ोस के ही हैं भी। मैंने 1/2 किलो उड़द बीजा, 2 कनाल मूंगी बीजी, आज मैं मूंगी का रेट पूछने गया 55 रुपए बिकी, मेरी बिकी नहीं, बेची नहीं, मैंने रिश्तेदारों से गिफ्ट कर दी भी, यार कहीं ले आज हमारे भाई खा लेंगे भी, हम 100 रुपए ले रहे हैं कहीं से। और रही बात भाई जो आज हमारे सरदार गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी जी ने आवाज उठा रखी है MSP की, मेरे पास 1.5 किलो सूरजमुखी है, अभी पक्के तैयार हुई है, आज कटी है वो। अगर मेरे सरदार जी आज ऐलान करते हैं भी उसको बाना पड़ेगा तो मैं उसको बह दूंगा भाई, क्यों मेरे को सरदार गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी जी ने 2800 वाली सूरजमुखी का भाव 5400 दिलाया हुआ है भाई, मैं तो 6400 रुपए सूरजमुखी का भाव लूंगा। जैसे ये सरकार कह रही है ऐसे हो जाएगा 4800 भाव, 1000 बोनस दे दिया, न्यू कर दिया, वह कर दिया, भाई मैं नहीं कुछ भी मांगता, मेरे तो घर सूरजमुखी पड़ी है, मेरे को 6400 रुपए के हिसाब से मेरे खाते में पैसा डालो और बाकी अपनी फसल उठाओ। अगर इनको ये चाहिए तो अभी सूरजमुखी की फसल नहीं होनी चाहिए, हमको बीज कितना दिया, ये अरजीत डिंडसा जी खड़े हैं, इसके पास शायद इतनी सूरजमुखी हो भी जितनी पूरे ब्लॉक साहबाद के अंदर बीज बांट दिया गया। अब तो जब तो एक किसान रोकना था, अब हजारों लाखों की तादाद में किसान रोकने पड़ रहे हैं। और भाई मैं अपनी मजबूरी बताता हूँ, मैंने उस सूरजमुखी के ऊपर क्या पता किसकी सादगी से जुबान कर रखी है, मैं तेरे भी पैसा दे दूंगा, तेरा भी, सरकार मारे को गोलियां दे रही है, सही क्या है भाव अंतर, अगर भाव में अंतर है वही बात सही है, हम भाव में अंतर सरकार के साथ सहमत है। मेरी 4200 रुपए सूरजमुखी बिक रही है अगर, तो मेरे को भाव का अंतर 6400 रुपए के हिसाब से मेरे खाते में डालो, मैं तो MSP पे सूरजमुखी बेचूंगा भाई, वरना बेचूंगा नहीं। एक तरफ पंजाब हरियाणा में कह रहे हैं कि झोने कणक से बाहर निकलना चाहिए और चीजें बेचनी चाहिए और आप सूरजमुखी और फसलें बेच रहे हैं। जी हम ये सिर्फ MSP का रोला है, MSP आप लोग हमारे से ज्यादा समझदार हैं, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कम से कम लागत मूल्य है। भाई मैं एक देसी किसान हूँ, छोटा मोटा, आपसे मैं न्यू भी नहीं करना, मैं कोई बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैं एक छोटा मोटा किसान हूँ, MSP एक वह चीज है भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कम से कम सरकार हमारे किसानों को देगी। लेकिन अगर हम आज भाव अंतर योजना में आ गए तो कल हमारे को सरकार इसी सौदे में जोने में भी करेगी, जीरी में भी, गेहूं में भी, मूंग वगैरह में, तो सरसों आप दूर न जाइए, हिसार के अंदर हमारे किसान धरना लगा के बैठे हैं वहां, उनकी आप बोल रहे हैं जबान से हमने सरसों खरीद ली, किसकी खरीद ली पता तो लगे, मेरे को सूरजमुखी बेचनी थी भाई, 1.5 किलो सरसों का था, प्राइवेट बेच दिया चुपचाप बेच दिया, सरकार गल बोलिया भी नहीं, मैं क्यों, मेरे को तो सूरजमुखी बेचनी है अपनी, सरसों की फसल तो मेरी वैसी थी, मेरे पास जिसमे पास सरसों की फसल है यही तीसरी, तो यही हमारी आमदनी। अभी ये बताइए जो अभी धरना चल रहा है ये किसके लिए चल रहा है और कब तक चलेगा ये? यह जी पहले तो MSP के लिए है, हमारे सरदार जी का ऐलान है, पहले तो हमें MSP लिखित रूप में चाहिए, सभी सरदार जी सरदूर जी ने मरते कह दिया छोड़ने चिड़ाने की लोड़ नहीं भी, किसी मनु न्यून वो भी मनु छटवाओ उस पीछे नारे मारो भी, हाँ अगर उनको 1000, 2000, 5000, 10000 लाख और किसान चाहिए जेले भरने के लिए तो हम सारे किसान तैयार है। अच्छा आपके ये डिमांड नहीं के हमारे किसानों को छोड़ो, आपकी नहीं नहीं हमारी कोई डिमांड नहीं, हमारे किसानों को हमें भी ले जाओ साथ, हम साथ जाएंगे जब मर्जी, किसान यहाँ निहत्थे बैठे हैं हर वक्त, तो उस दिन भी साहबाद में जिस दिन लाग भाई कुर्ता निकाल नहीं सकते, कुर्ता निकाल नहीं सकते, इतनी वो है हमारे साथ तसद्दद। सरदार गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी जी के लड़के की वीडियो वायरल हो रही है, आपने उसमें देखा नहीं भी, ऐसे हम कभी पशुओं को भी नहीं पीटते भी, इतनी तसद्दद किया उस बच्चे पे, क्या बात उसका क्या वो है, और आपने वो भी देखी होगी वीडियो भी हमारे सिख भाइयों की, वहां पग्गा ला दिया जी, और सरदार गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी को ऐसे ले गए जैसे पता नहीं।